हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाठिया और इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी जो प्रश्नावली हमने स्टार्ट की हुई थी, प्रश्नावली 4.1, उसके अब तक हम दो क्वेश्चंस और एक चौथा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमने फटाफट से करना है इसका तीसरा क्वेश्चन, और देखिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए फिर देखिए यहाँ पर कि तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। ठीक है, नीचे पूछा गया हमें कुछ चीज़ें और उनके हमें नाम लिखने हैं। तो उसने क्या कहा है कि पहला ऑप्शन वो कह रहे हैं देखिए कि रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, ऐसी कौन सी रेखा है यहाँ पर, ऐसी कौन कौन सी रेखाएँ हैं जिसके अंदर बिंदु ई सम्मिलित है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि कोई रेखा है और उस पर कोई बिंदु होना चाहिए, मान लो कि ई बिंदु होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट तो हमारा फिक्स हो गया, एक पॉइंट तो फिक्स हो गया, बाकी कौन कौन से पॉइंट इसके साथ हो सकते हैं। तो आप देखिए, या तो ई के साथ डी हो सकता है, या फिर ई के साथ बी हो सकता है, या फिर ई के साथ ए हो सकता है। तो तीन संभावनाएँ बनती हैं कि या तो क्या हो जाए, ए ई हो जाए, या फिर क्या हो जाए, बी ई हो जाए, या फिर हो जाए डी ई। तो तीनों जो है रेखाएँ बनेंगी ना, तो अगर ए ई ले ले वो भी रेखा है, बी ई ले ले वो भी रेखा है, डी ई ले ले वो भी रेखा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके अलावा यहाँ पर देखिए कि इस तरह से ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, ये रेखा जो जा रही है जहाँ पर एफ है, तो ई पॉइंट तो फिक्स है, दूसरा क्या हो सकता है, एफ भी तो हो सकता है ना, यानी कि ई एफ। तो ये चार संभावनाएँ हैं कि ये रेखाएँ हैं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित होगा, तो चार रेखाएँ हैं। तो ये हो गया ए ऑप्शन का हमारा आंसर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। देखिए बहुत ही मज़ेदार सा है और आपको बस देख करके अपनी आंखें खुली रखनी है, तो आपको जो दिखे बस वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट हमें क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट कहता है कि बिंदु ए से होकर जाने वाली रेखा, सिर्फ रेखा एक ही रेखा पूछी है कि बिंदु ए से होकर के कौन सी सबसे बड़ी रेखा जा रही है। वैसे सबसे बड़ी उसने नहीं कहा, लेकिन हम सबसे बड़ी बताएंगे क्योंकि उसने सिंपल कहा है, अगर वो रेखाएँ कहता तो हम ए भी निकालते, ए डी निकालते, ए ई निकालते, लेकिन उसने एक ही रेखा कहा है तो हम पूरी बड़ी रेखा ले लेंगे, यानी ए ई ले लेंगे। ठीक है, तो आपका सिंपल जो है बी जो है उसका जो है आंसर हो जाएगा ए ई। अब आप कहेंगे यहाँ पर रेखाएं, रेखाखंड, कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, तो हम क्या करते हैं इनको स्पेशल नोट दे देते हैं, स्पेशल नोटेशन दे देते हैं। तो रेखा जो होती है वो दोनों तरफ से बढ़ती है, इसलिए जब भी रेखा लिखो उसके ऊपर इस तरह से दोनों तरफ एरो ज़रूर लगाओ। ये रेखाएं हैं तो इनके दोनों तरफ इस तरह से एरो हम ज़रूर लगाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं, ए हमारा हो गया, बी हो गया, सी की तरफ चलते हैं। वह रेखा जिस पर बिंदु ओ स्थित है, वो रेखा बताओ जिस पर बिंदु ओ स्थित है। तो ये वाली रेखा है हमारी जिस पर ओ स्थित है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सी ओ हो जाएगा ना। ठीक है, तो आप कह दोगे ये कौन सी रेखा है, ये है सी ओ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब वो कहता है प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म, युग्म का मतलब होता है दो रेखाओं का जोड़ा। ठीक है, युग्म का मतलब दो का जोड़ा होता है, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं यहाँ पर कौन कौन सी हैं, एक तो दो रेखाएं यहाँ पर ऐसे काट रही हैं ई पॉइंट पर, ठीक है, वो कौन कौन सी रेखाएं होंगी, आप सिंपल कहेंगे, इसको मिटा दें हम, ये आपने कर लिया होगा है ना, कि एक तो हमारी ये वाली रेखा एफ ई और एक ए ई दोनों काट रही हैं। तो सिंपल सी बात है कि ए ई जो रेखा है और एफ ई जो रेखा है वो एक दूसरे को ई बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना कि दोनों एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ई पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देख के बताइए क्या कोई और प्रतिच्छेदी रेखा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, कौन सी, एक तो है सी ओ और वही हमारी कौन सी, ए ई, ए ई बोल दो चाहे बी ई बोल दो, यहाँ पर आपकी मर्जी है, कुछ मर्जी बोल दो, तो हम यहाँ पर ए ई बोल देते हैं कि ए ई जो है ये और प्रतिच्छेद कौन कर रही है, सी ओ। ठीक है, ये दोनों रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, आप कह देंगे बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं।
चाहे आप बिंदु ना भी लिखें, सीधा लिख दें कि ये दोनों रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी रेखाओं का युग्म है या प्रतिच्छेदी रेखाओं का जोड़ा है, तो वो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक क्वेश्चन इतना छोटा सा, इतना सिंपल सा था जो कि हमने कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ हमने पहले ही कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, और फिफ्थ क्वेश्चन हम फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन जैसे ही आप कर लोगे ना तो सिक्स्थ क्वेश्चन बिल्कुल फिफ्थ के जैसा है, तो वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। अब देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर अब तक क्या हो रहा था कि हमें आकृति दी गई थी और उसको देख करके हमें क्या बनाना था, थ्योरी बनानी थी, तो उसको देख करके हमें क्वेश्चंस के जवाब देने थे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमें कुछ चीज़ें दी गई है और हमें कहे कि उसका चित्र आपको बनाना पड़ेगा, और वो कहते हैं कि रफ चित्र बनाओ और अच्छे से उनका नामकरण करो। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं। इसके काफ़ी पार्ट हैं, दो पार्ट हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट भी हम देख लेते हैं कि इसका जो सी पार्ट है वो आपको कहता है, सी पार्ट क्या कहता है कि रेखा एल ई और एफ पर स्थित है, रेखा एल ई व एफ पर स्थित है। क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ मैं, उसके बाद अपने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, परंतु डी स्थित नहीं है, परंतु डी स्थित नहीं है, ये क्वेश्चन फिफ्थ का सी पार्ट हो गया। और डी पार्ट और है, वो क्या कहता है कि ओ पी और ओ क्यू जो रेखाएं हैं बिंदु ओ पर मिलती हैं, ओ पी और ओ क्यू रेखाएं बिंदु ओ पर मिलती हैं। अब देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए रफ आकृति बनाइए, हर एक के लिए अलग अलग आकृति बनानी है, एक आकृति में सभी को नहीं बताना है। तो ये तो और आसान हो गया। ठीक है, अब एक एक को पढ़ते जाइए और उनका जो है डायग्राम बनाते जाइए। अब पहला हमारे को क्या कह रहा है कि बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। रेखाखंड, ध्यान दीजिएगा, रेखाखंड बोला है तो दोनों पॉइंट फिक्स हो गए, ए पॉइंट से स्टार्ट होगा और बी पॉइंट तक जाएगा, बस ये रेखाखंड बन गया। उसके बाद ये कहता है कि बिंदु पी जो है ना वो रेखाखंड ए बी पर स्थित है, तो कहीं भी बिंदु पी लगा दो, बस हमारा काम खत्म। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट, बस इतना ही करना था कि ए बी एक रेखाखंड है जिस पर बिंदु पी स्थित है, बस इतना ही काम। ठीक है, तो ये आपका हो गया, बस डायग्राम आपको बना के दिखाना, इतना आसान सा है। अब देखिए, बी हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट हमें क्या कहता है कि रेखाएँ एक्स वाई और पी क्यू। अब देखिए, रेखाएं लिखी हुई हैं तो इनके ऊपर जो है कैसी लाइन आप लगा लेंगे, रेखाएं दोनों तरफ बढ़ती है ना, तो इनके ऊपर ऐसा नोटेशन आप लगा लेंगे, रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कि दो रेखाएं हैं, एक तो हो गई कौन सी एक्स वाई, और दूसरी रेखा मान लीजिए कि आपने ले लिया पी क्यू। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, कौन से पॉइंट पर, एम पॉइंट पर। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, काटना। आप ऐसे भी ले सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी ले सकते हैं, हमने ऐसे ले लिया तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो ए सिंपल सी बात हो गई, बी भी हमने कर दिया कि एक्स वाई कोई रेखा है दोनों तरफ बढ़ेगी ना रेखा है, तो पी क्यू भी एक रेखा है तो दोनों तरफ जा रही है, देखिए बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन काट रही है एक दूसरे को, कहाँ पर, एम पॉइंट पर। तो ये भी हमारा हो गया, बहुत ही सिंपल था ये करना। तो ठीक है, सी देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। सी कह रहा है कि रेखा एल ई व एफ पर स्थित है परंतु डी स्थित नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा कि वो क्या कह रहा है कि रेखा एल जो है, रेखा एल पर, माफ कीजिएगा, रेखा एल पर ई व एफ स्थित है परंतु डी नहीं है। यानी कि वो कहता है कि एक रेखा खींचो, पहले तो एल, एक रेखा खींच ली एल। ठीक है, रेखा को मैंने बताया था कि अगर बीच में आप पॉइंट ना देना चाहो तो सीधा एल भी लिख सकते हो, ये कोई रेखा है एल, इस पर ई और एफ तो बिंदु स्थित है, इसका मतलब इस पर एक तो बिंदु लगा दो ई और एक बिंदु लगा दो एफ। लेकिन वो कहते हैं डी बिंदु इस पर स्थित नहीं है, डी बिंदु इस पर स्थित नहीं है का मतलब हो गया कि इस रेखा के कहीं आसपास स्थित होगा लेकिन इस रेखा पर स्थित नहीं होगा। अब देखो, इसको कह के आप, इसको देख करके आप कह सकते हो ना कि रेखा एल पर ई व एफ दो बिंदु स्थित है लेकिन डी बिंदु इस पर स्थित नहीं है, तो बिल्कुल यही तो कह रहे हैं। ठीक है, डी इस पर स्थित नहीं है तो ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी लगा दो, बस इसके लाइन के ऊपर मत लगाना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो ये भी इजी सा था, हो गया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि ओ पी जो कि एक रेखा है,
ओ क्यू जो कि एक रेखा है बिंदु ओ पर मिलती है, ऐसा जो है यहाँ पर दिखाइए कि हमारी OP जो रेखा है और OQ जो रेखा है वो कहाँ पर मिलती है, बिंदु O पर मिलती है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिच्छेद नहीं का है, उस रेखा है बिंदु O पर मिलती है, आ करके मिलती है, और बिंदु O के बाद कहाँ जाती है हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, O से शुरू करेंगे और P तक लेके जाएंगे रेखा को, ये चीज समझ में आ गई। O से शुरू करेंगे और Q तक लेके जाएंगे रेखा को, आगे जा रही है और ये बिंदु क्या हो जाएगा, O। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। ये हो गई रेखा OP, ये हो गई रेखा OQ, बिंदु O पर जाकर के मिल गई, तो इसका मतलब वहां पर हमें उसके आगे इधर नहीं बढ़ाना है, यहां पर जाकर के मिल रही है। अगर वो ऐसे कहता ना प्रतिच्छेद कर रही है तो हम आगे लेकर के जाते हैं। देखिए यहां पर दो वर्ड्स हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए कि ये कोई रेखा है और ये कोई रेखा है, ये रेखा मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं AB है, ठीक है, और ये रेखा है PQ। अगर मैं कह दूं कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं किसी बिंदु पर, तो आप इनको ऐसे प्रतिच्छेद करवाओगे, ठीक है ना, इनको A और B ऐसे प्रतिच्छेद करवाओगे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ये रेखाएं किसी पर्टिकुलर बिंदु पर मिलती हैं जा करके, तो मिल गई ना, उसके आगे तो कहीं जाना ही नहीं है, मिल गई तो उसके आगे कहीं जाना नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस तरह से स्टार्ट कर देंगे, जो भी इनका पॉइंट होगा PQ, ठीक है, ए बी, और ये एम पॉइंट पर मिल रही है मान लीजिए, तो यहाँ पर एम पॉइंट हो जाएगा, फिर ये एक ही दिशा में आगे बढ़ेगी, ठीक है, दूसरी दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि वहाँ पर जाकर तो ये मिल गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, तो मिलता है और प्रतिच्छेद करता है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, बाकी प्रश्नावली हमारी बिल्कुल सिंपल सी है। तो चलिए फिर फटाफट से, वैसे तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होना चाहिए था, लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कई एक ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं आ जाएंगी, है ना। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे तो आपको बस देखना है, डायग्राम आपके सामने है, आपको देख करके बस ये पता लगाना है कि ये जो बातें उसने कही है क्वेश्चन लिखने वाले ने, वो सही कही है या गलत। अगर सही कही है तो उसको सत्य बोल देना, अगर गलत कही है तो उसको फॉल्स यानी असत्य बोल देना। तो वो क्या कह रहे हैं कि रेखा एम एन की संलग्न आकृति को देखिए, इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, ठीक है। तो सत्य के लिए आप ओके लिख देंगे, ठीक है, और यानी कि ट्रू फॉल्स लिख देंगे, सत्य के लिए हम टी लिख देंगे और गलत के लिए हम फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, वो कहता है कि क्यू एम ओ एन और पी रेखा एम एन पर स्थित बिंदु है क्या, तो रेखा एम एन सिंपल सी बात है, एम से शुरू होकर एन तक, लेकिन आगे पीछे भी तो जा रही है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पूरी रेखा है वो रेखा एम एन ही तो है ना, इसको एम एन भी तो नाम दिया जा सकता है, ये आगे पीछे जा रही है, तो उस पर क्यू एम ओ एन पी इसी रेखा पर स्थित है क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल इसी रेखा पर स्थित है, यानी कि इसका क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये तो हो गया, ठीक है, ये ट्रू है बिल्कुल, रेखा चाहे एम एन ले लें, चाहे ओ एन ले लें, चाहे ओ एम ले लें, वो आगे पीछे जा रही है ना, क्योंकि रेखा है, अगर रेखा कट कहता तो हम फिक्स करते, एम एन है तो आगे पीछे तो जाएगी, आगे पीछे जाएगी यानी एम एन से बाहर भी जाएगी, बाहर जाएगी तो क्यू और पी को कवर करेगी ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो क्यू एम ओ एन पी पूरे के पूरे सारे के सारे बिंदु एम एन रेखा पर स्थित है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड देख लीजिए कि एम ओ और एन रेखाखंड एम एन पर स्थित है, अब वो कहते हैं रेखाखंड एम एन इसको जो है फिक्स कर लिया, ये रहा एम, ये रहा ओ और ये रहा एन, रेखाखंड एम एन तो फिक्स हो गया ना, ना तो एन से आगे होगा ना एम से पीछे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो पूछता है कि एम ओ और एन रेखाखंड एम एन पर स्थित है क्या, ये जो रेखाखंड है इस पर आपको कई बिंदु एम ओ और एन दिखाई दे रहे हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देखिए वो हमारे को सी पॉइंट क्या कह रहा है, सी पॉइंट कह रहा है कि एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है क्या, तो इसको पहले समझ लो कि अंत बिंदु क्या होता है, कि सिंपल सी बात है, आप कोई रेखाखंड खींचते हो तो उसका एक तो होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे हम रेखाखंड एम एन खींच रहे हैं तो एक तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, एक हो गया एंड पॉइंट, तो ये जहाँ से रेखाखंड शुरू होता है और जहाँ पर रेखाखंड खत्म होता है वो होते हैं उसके अंत पॉइंट, यानी कि वो उसके क्या होते हैं लिमिटिंग पॉइंट्स होते हैं, उसके आगे रेखाखंड जो है वो नहीं जाता है, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, अंत बिंदु बोलते हैं। तो बताइए कि एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल है, बीच में ओ स्थित है लेकिन अंत तो यहीं पर हो रहा है ना, एम से शुरू और एन पर अंत हो रहा है, इसका मतलब अंत बिंदु एम और एन ही तो है, ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। उसके बाद देखिए डी पॉइंट वो क्या कह रहा है कि ओ और एन
ध्यान दीजिएगा, ओ और एन, ओ पी के अंत बिंदु है क्या? तो सबसे पहले हम रेखाखंड बनाते हैं ओ पी, ये रहा रेखाखंड ओ पी, तो इसके अंत बिंदु क्या हो जाएंगे? एक तो होगा ओ, एक होगा पी। एन इसका अंत बिंदु होगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। हाँ ठीक है, ओ इसका अंत बिंदु है लेकिन एन इसका अंत बिंदु नहीं है, इसका मतलब ये तो क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। ठीक है कि हम कह देंगे ओ और पी होते हैं इसके अंत बिंदु, तो ओ और एन तो नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए ई ऑप्शन क्या कह रहा है हमें कि एम रेखाखंड, ई पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का, वो क्या कह रहा है कि एम रेखाखंड क्यू और एम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है क्या? तो आप फटाफट से क्या करेंगे, क्यू और ओ बना लीजिए, माफ कीजिएगा रेखाखंड है तो बिल्कुल फिक्स पॉइंट होंगे Q से लेकर के O और बीच में क्या हो गया M। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो Q और रेखाखंड है इसके अंत बिंदु क्या होंगे, तो सिंपल सी बात है कि जो बिल्कुल कॉर्नर वाले पॉइंट होंगे ये होंगे ना, तो अंत बिंदु या तो Q होगा या फिर O होगा। क्या इन दोनों में से कोई भी M है क्या? तो आप कह देंगे नहीं है, इसका मतलब ये तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया कि जो M है वो इस रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं में से नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसके तो दोनों बिंदु क्यू और ओ है, एम तो है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए एफ पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि एम किरण ओ पी पर एक बिंदु है। अब देखिए किरण ओपी, किरण ओपी ध्यान से देखिएगा कि किरण ओपी का मतलब क्या हुआ कि ओ से स्टार्ट हो रही है किरण, किरण स्टार्ट एक फिक्स बिंदु से होती है ओ से, और जा कहाँ पर रही है, पी तक जा रही है। ठीक है, और आगे भी कहीं जाती रहेगी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो एम है, एम वो पीछे है, अब बताओ कि ये जो एम है वो किरण ओपी पर है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर उधर होता तो स्थित जरूर होता, एन जरूर स्थित है, एन यहाँ पर बीच में है तो एन इस पर स्थित है, लेकिन जो किरण शुरू हुई ओ से उस पर एम कैसे हो गया? जो शुरू ही ओ से हो रही है उसके पीछे तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो पीछे वाला इस पर स्थित होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी गलत हो गया। अब वो कह रहे हैं किरण ओ पी, किरण ओ पी किरण क्यू पी से अलग है क्या? तो देखिए ये तो रही हमारी OP, और QP बिल्कुल कहाँ से जाएगी, यहाँ से Q से स्टार्ट होगी और P तक जाएगी। ठीक है, तो अब बताइए OP और QP अलग अलग है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि QP जो हमारी किरण है उस पर तो M भी स्थित है और उस पर O भी स्थित है, उस पर N भी स्थित है, लेकिन इस पर M स्थित है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है ना, तो आप कह देंगे बिल्कुल अलग अलग है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू कि किरण OP किरण QP से भिन्न है, यानी कि अलग है। भिन्न का मतलब क्या हो जाएगा, अलग है। ठीक है, बिल्कुल मज़ेदार सा क्वेश्चन है, आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि क्या कुछ इसमें हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए एच पॉइंट, काफ़ी सारे पॉइंट्स है ना। चलिए किरण OP, किरण की बात हो रही है, ये रही ओपी बनाई पड़ी है, वही है जो किरण ओएम है। वो कहता है कि अगर आप ओएम किरण बनाते हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जिस बिंदु से आप शुरू हो रहे हो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और जिस तरफ यानी कि जो बाद में आएगा उस तरफ वो किरण जाएगी। ठीक है, जैसे इसको हम मिटा देते हैं, ये हो गई हमारी ओपी। अब कहता है कि ओएम बना लो, तो ओ हो गया जो है स्टार्टिंग पॉइंट, और जाना कहाँ तक है आपको, M तक, ये रहा M, ये रहा O। ठीक है, O से स्टार्ट होने और M तक जाने और इधर जाने, तो अब आप बताइए कि क्या OM और OP एक ही है क्या? बिल्कुल नहीं है, उनकी तो डायरेक्शन अलग अलग हो गई। आप कह देंगे अगर OM को MO लिख देते तो बात अलग हो सकती थी, तब जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो M होता, M से O की तरफ जाते, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा अब किरण का साइन कैसे OM ऐसे है, यानी कि O से शुरू होने और M तक जाना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसका मतलब ही ये होता है, तो O से शुरू होने M तक जाना तो नीचे जाएगा, लेकिन इसको O से शुरू होने और P तक जाना है तो ये ऊपर जाएगा। एक नीचे जा रही है एक ऊपर जा रही है, तो सेम कैसे हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि किरण OM किरण OP के विपरीत नहीं है, बताइए विपरीत नहीं है क्या? विपरीत तो है ना, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, तो विपरीत है। ये कह रहे विपरीत नहीं है, तो ये गलत कह रहे भाई, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है,
क्यों नहीं है भाई? ओपी से ही तो शुरू, ओपी जो है वो ओ से ही तो शुरू हो रही है, तो इसका तो प्रारंभिक बिंदु ओ ही है, और ये कह रहे नहीं है तो ये गलत कह रहे हैं, इसको क्या करने के अपने फॉल्स, बहुत गलत बातें कर रही है। ठीक है, अब देखिए, एन किरण एनपी और एनएम का प्रारंभिक बिंदु है। ये कहते हैं कि आप किरण बनाइए, एक तो बनाइए एनपी और एक बनाइए एनएम, और देखिए कि क्या दोनों का प्रारंभिक बिंदु एन है क्या। तो सिंपल सी बात है कि जब एन पी बनाएंगे तो एन हो गया फिक्स पॉइंट और पी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और जब एन एम बनाएंगे तो एन हो गया फिक्स पॉइंट और एम की तरफ जा रहे हैं एम। तो बताइए, एक तो किरण ये वाली, एक किरण ये वाली, दोनों प्रारंभ तो एन से हो रही ना, तो अब ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ट्रू है कि एन किरण एन पी और एन एम दोनों का प्रारंभिक बिंदु है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, है ना। कहीं कहीं हम जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज भी हुए, लेकिन फाइनली हमें जो है सारी चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ ऐसे ऐसे करके कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए फिर, होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट हमारी जो प्रश्नावली है स्टार्ट करते हैं, 4.2, बहुत ही मज़ेदार प्रश्नावली है। इसमें आप किसके बारे में जानेंगे, वक्र के बारे में, खुले वक्र के बारे में, बंद वक्र के बारे में, यानी कि खुली आकृति और बंद आकृति के बारे में जानेंगे। जो हमारा डाउट था ना कि वर्ग क्या होता है, चार भुजाओं वाली ऐसी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, तो वो बंद आकृति खुली आकृति का क्या कंसेप्ट है, सारा कुछ हम यहाँ पर समझने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारी जो प्रश्नावली है ना 4.2, उसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वक्रों के बारे में, खुले वक्र, बंद वक्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि वक्र क्या चीज़ है, कि वक्र क्या चीज़ होती है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करते हो कि कागज पर बिना पेंसिल उठाए, एक बार पेंसिल रख ली तो उसे बिना उठाए टेढ़ी मेढ़ी सीधी या कैसी भी आकृति आप बना देते हो, और जब पेंसिल या पेन उठा लेते हो तो जैसे भी आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। अब वक्र क्या हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है और वक्र आपका सीधा भी हो सकता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे मान लो कि मैंने इस तरह से कोई रेखा खींच दी, कोई रेखाखंड खींच दिया, तो ये भी क्या एक वक्र है। सिंपल सी बात, अगर मैं ऐसे करूं कि मैंने ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे खींच दिया, तो ये भी क्या एक वक्र है, क्योंकि मैंने पेंसिल उठाई तब ये ऐसे बना पड़ा था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, यानी कि जब आप पेंसिल लगाते हो और उसके बाद आप कुछ भी बना दो, वो क्या कहलाएगा, वक्र कहलाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये जो वक्र होते हैं ना, वक्र की परिभाषा फटाफट से लिख लीजिए। सिंपल सी बात है कि कागज पर बिना पेंसिल उठाए बनाई गई, कागज पर बिना पेंसिल उठाए, लिख लेते हैं चलिए, बिना पेंसिल उठाए बनाई गई सीधी या टेढ़ी मेढ़ी आकृति को, सीधी या टेढ़ी मेढ़ी आकृति को क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब वक्र जो है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका हो जाएगा कौन सा, खुला वक्र, खुला वक्र, और दूसरा हो जाएगा बंद वक्र। अगर आप बंद वक्र के अंदर फंस गए तो आप बाहर नहीं आ पाएंगे, और अगर आप खुले वक्र के अंदर फंस गए तो आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यही इनके बीच में डिफरेंस है। यानी कि सिंपल सी बात है कि आप कोई वक्र बनाते हो और उसका जहाँ से आपने प्रारंभ किया, तो जो बना दिया आपने, कुछ भी बना दिया, ठीक है, उसके बाद जहाँ पर आप एंड कर रहे हो, तो वो अगर प्रारंभ बिंदु और एंड बिंदु आपस में मिल जाए, यानी कि उसका शुरुआत वाला सिरा और अंत वाला सिरा अगर आपने मिला दिया, तो ये बंद हो गया ना। अगर इसके बीच में कोई फंस गया तो वो कहीं से बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। लेकिन खुले वक्र के अंदर क्या होता है कि आपने जहाँ से शुरू किया उसके बाद जो दूसरा सिरा था वो कहीं पर भी जा कर के छोड़ दिया, ये दोनों मिले नहीं, तो ये क्या हो गया, एक खुला वक्र हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो बस आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें आपको ये छांटना होगा कि खुला वक्र बताइए और बंद वक्र बताइए। उसमें आपने देखना है, अपने आप को उसके अंदर डालो, अगर आप बाहर आ जाते हो तो वो खुला वक्र है, अगर आपको बाहर आने के लिए रास्ता नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, बंद वक्र हो जाएगा। सबसे आसान तरीका रहता है ये देखने का कि खुला वक्र है या बंद वक्र है। ठीक है, तो बंद वक्र और खुले वक्र की बात हो गई। उसके बाद देखिए कि जब हम किसी वक्र को रेखाखंडों के माध्यम से बनाते हैं,
जब हम किसी वक्र को रेखाखंडों के माध्यम से बनाते हैं तो उस वक्र को क्या बोला जाता है? बहुभुज। क्या बोला जाता है? बहुभुज। और बहुभुज को जिन रेखाखंडों से बनाया है उसे क्या कहते हैं? उसकी भुजाएं। जैसे मैंने एक रेखाखंड ऐसे खींच दी, पेंसिल उठाई नहीं है, ये जो पेन है वो उठाया नहीं है, उसके बाद दूसरा रेखाखंड ऐसे खींच दिया, पेंसिल मैंने फिर भी नहीं उठाई, मार्कर मैंने फिर भी नहीं उठाया, कागज़ पर ही जो यानी कि बोर्ड पर लगा पड़ा है ना, उठाया तो नहीं अब तक, तीसरा रेखाखंड खींच दिया, चौथा रेखाखंड खींच दिया और अब उठा लिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक पूरा वक्र बन गया। लेकिन इस वक्र में मैंने चार रेखाखंड खींच दिए, ए बी, पहले तो एक रेखाखंड खींचा, उसके बाद दूसरा रेखाखंड खींचा बी सी, उसके बाद तीसरा खींचा सी डी और फिर चौथा खींचा डी ए, ठीक है। तो ये जो चारों रेखाखंड थे हमारे, इन चारों ने मिलकर के क्या बना दिया? ये बना दिया बहुभुज। बहुभुज का मतलब होता है ज़्यादा भुजाएं, दो से ज़्यादा भुजाएं हो जाएं तो उसको क्या कहेंगे? बहुभुज कह देंगे। तो ये कितने भुजाओं वाला बहुभुज हो गया? एक दो तीन चार, चार भुजाओं वाला बहुभुज हो गया। ऐसे आप तीन भुजाओं वाला भी बना सकते हो, ये लो तीन भुजाओं वाला। ऐसे आप पांच भुजाओं वाला बना सकते हो, ये लो पांच भुजाओं वाला, ठीक है। ऐसे आप छह भुजाओं वाला बना सकते हो, ये लो छह भुजाओं वाला बन गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं लेकिन तीन से कम भुजाएं नहीं हो सकती, यानी दो भुजा वाला कभी भी बंद आकृति नहीं बनेगी, दो भुजाओं वाली कभी भी बंद आकृति या बहुभुज नहीं बनेगा। बहुभुज हमेशा बंद आकृति होती है, जो ऐसा वक्र है यानी बंद वक्र है जो किसके द्वारा बनाया गया? रेखाखंडों के द्वारा बनाया गया, सीधी लाइनें खींच खींच करके बनाया गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो बहुभुज जो है ना वो दो भुजाओं से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दो भुजाएं या तो ऐसे होंगी या फिर दो भुजाएं ऐसे होंगी। अगर इनको बिल्कुल आप ये चाहते हो कि इसको बंद कर दें, यानी जहां से शुरू किया और जहां पर ख़त्म किया, आप चाहते हो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये जो अंतिम बिंदु उनको मिला दे, ठीक है, इनको अगर मिलाओगे, इनको पास पास में ले आओगे तो ये बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो कोई आकृति बनी नहीं, एक के ऊपर ही आपने दूसरी खींच दी तो इसका कोई मतलब नहीं बना ना, ठीक है। इसका मतलब दो रेखाएं अगर आप लें, दो रेखाखंड आप लें तो उससे कोई बहुभुज नहीं बनता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो यहाँ पर खुला वक्र बंद वक्र समझ लिया, बहुभुज क्या होता है ये हमने समझ लिया। सिंपल सी बात है, बहुभुज की परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख लो कि रेखाखंडों से बनी सरल बंद आकृति एक बहुभुज कहलाती है। रेखाखंडों से बनी सरल बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? और ये जो रेखाखंड होते हैं वो क्या होते हैं? बहुभुज की भुजाएं, ठीक है। अगर उसमें तीन भुजा है तो उसको त्रिभुज कह देंगे, अगर उसमें चार भुजा है तो उसको चतुर्भुज कह देंगे, अगर उसमें पांच भुजा है तो उसको पंचभुज कह देंगे, अगर छह भुजा है तो उसे षटभुज कह देंगे, इस तरह से आगे चलता जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई ना? तो बहुभुज के बारे में हमें समझ में आ गया। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि आप वक्र बनाइए, आप चाहे खुला वक्र बनाइए चाहे बंद वक्र बनाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप वक्र बनाइए, ठीक है। तो आप हो सकता है इस तरह का वक्र बना करके छोड़ दें, ये एक वक्र हो गया, आकृति होगी ना। हो सकता है आप इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का बना दें, बना सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों ही खुले वक्र हैं ना, दोनों ही खुले वक्र हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दूर दूर पड़ा है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दूर दूर पड़ा है, तो दोनों ही खुले वक्र हो गए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर वक्र अपने आप को नहीं काटता है तो उसे आप क्या कहेंगे? सरल वक्र कहेंगे। क्या कहेंगे? सरल वक्र। लेकिन अगर वक्र एक दूसरे को यानी अपने आप को ही काट रहा है बार बार, ठीक है ना, आपने एक लाइन खींची, अब ये देखो यहाँ पर काट गया, इस बिंदु पर अपने आप को ही प्रतिच्छेद करके अपने आप को ही काट गया, तो ये फिर सरल वक्र आपका नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो आपसे पूछ ले कि सरल वक्र है या नहीं, तो आपको देखना है कि वो वक्र अपने आप को कहीं काट तो नहीं रहा क्या, अगर वो काट रहे तो वो सरल वक्र नहीं होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई? तो चलिए फिर, जितना सामग्री हमने इकट्ठी करनी थी वो हमने कर लिया है, अब फटाफट से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है ना वो आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो पहला वक्र कौन सा दे रखा है आपको? पहला वक्र दे रखा है जेड। अब बताओ ये बंद है या खुला है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बहुत दूर दूर है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, खुला या बंद? खुला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बी, बी जो वक्र है उसके अंदर चले जाइए। बी वक्र जो है अपने कुछ इस तरह से बना लेते हैं, लगभग इस तरह से, ठीक है। तो आप इसके अंदर चले जाइए, चले गए, अब बताइए आप बाहर आ जाएंगे?
तो आप कहेंगे कहीं भी रास्ता ही नहीं है बाहर आने को। इसका मतलब ये तो क्या हो गया, ये तो बंद वक्र हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सी जो वक्र है उसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है वो तो खुला वक्र है। डी अगर देखा जाए तो डी इस तरह से है, उसके अंदर चले जाओ क्या बाहर आ जाओगे क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, इसका मतलब वो बंद वक्र है। उसके बाद ई देख लो, ई जो है कैसा है, लगभग गिलास की जैसी आकृति है, गिलास के जैसी आकृति है, तो उसके अंदर चले जाओ बाहर आ जाओगे क्या, तो आप कहेंगे नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, तो भाई बंद आकृति होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखो इतना आसान है खुली आकृति और बंद आकृति को पहचानना। उसके बाद देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियाँ बनाइए, पहला खुला वक्र और दूसरा है बंद वक्र। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दो है कि निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृति बनाइए। अब वो कह रहे हैं, क्वेश्चन वाला आपको कह रहा है कि मुझे आकृति बना करके ना दोनों में डिफरेंस समझाओ। एक तो खुला वक्र का डायग्राम बना के मुझे डिफरेंस समझाओ कि खुला वक्र और बंद वक्र में क्या अंतर है। तो आप एक तो खुला वक्र बना दो और एक बंद वक्र बना दो। जैसे खुला वक्र आप कोई भी बना दो, ठीक है, जैसे ए बी सी डी में अगर देखें तो ए बंद वक्र हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो कि हम एस बना दें, एस तो ये खुला वक्र है ना। इसी तरीके से अगर आप ओ बना देंगे तो ये बंद वक्र है ना। तो एस बना दो आप खुले वक्र में और बंद वक्र में ओ बना दो, बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी बनाओ। खुले वक्र में आप चाहे यूं 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 करके बना दो, बंद वक्र में आप चाहे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बना दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया खुले वक्र का, ये बंद वक्र का, आपका जो दिल करे ना वो बना देना। ये समझ में आ गया, रफ आकृति बनानी है कुछ भी बनाओ। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हमें समझ में आ गया। अब देखिए आगे के जो क्वेश्चन है ना वो फटाफट से लिख करके देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं वो। तो देखिए अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है कि कोई भी बहुभुज खींचिए। तो आपको जब भी बहुभुज बनाना है तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको केवल और केवल किसका यूज़ करना है, रेखाखंडों का यूज़ करना है। रेखाखंड के अलावा कोई भी और वक्र नहीं बनाना है। तो चलिए रेखाखंड से कोई भी बहुभुज बना लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने तो ये पेंसिल जो है उठा दी, हमारा जो मार्कर है वो उठा दिया, आपको उठाना नहीं है, दोबारा से बनाते हैं बिना उठाए। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कि ये हमने बना दिया, ये बहुभुज बन गया हमारा, एक दो तीन चार और पांच भुजाओं वाला। अब ये कहते हैं उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर का भाग, अभ्यंतर का मतलब क्या हो जाएगा, अंदर का भाग। इसके अंदर के भाग को आपको छायांकित करना है तो क्या कर दोगे, ये रहा अंदर का भाग, इसको इस तरीके से आप छायांकित कर दोगे। इस तरह से बॉक्स बना के आप जैसे भी छायांकित करना चाहो इसको छायांकित आप कर दोगे। तो बस इतना सा कह रहा था क्वेश्चन नंबर थर्ड कि कोई भी बहुभुज बनाओ इसके अभ्यंतर को छायांकित कर दो। आप ज़रूरी नहीं है कि ये बनाएं, आप कुछ भी बना सकते हैं, आप चार वाला भी बना सकते हैं, आप तीन वाला भी बना सकते हैं, आप छः वाला भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये रेखाखंड अलग नहीं रहे है ना, आपको रेखाखंड ही बनाने हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, इस तरह से आप किसी भी तरीके से बनाएं, बस रेखाखंड वाला जो बनेगा वही बहुभुज होगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा डन हो गया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि क्या आकृति को देखकर संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो आकृति है इसको देख करके ये बताओ कि क्या ये एक वक्र है। तो आप कह देंगे बिल्कुल वक्र है, वक्र है ना, कि बिना पेंसिल उठाए ऐसा बन सकते हैं ना, तो आप कह दोगे बिल्कुल बन सकता है, ये लो जी हमने बना दिया। ठीक है, लगभग ऐसे ही बना है, तो ये तो एक वक्र है। अब क्या ये बंद है क्या, तो आप बिल्कुल उसके अंदर चले जाओ और अब देखो बाहर आ जाओगे क्या, इसके अंदर चले जाओ बाहर आ जाओगे, तो बिल्कुल नहीं आओगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बंद है, तो दोनों में कह दोगे कि हाँ ये एक वक्र है, हाँ यह बंद है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इतना आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए वो क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे टास्क दे रहे हैं हमारे को, और टास्क को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा करना है। रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। वो कहते हैं कि रफ आकृतियां बना करके, यानी अपनी मर्जी से कोई भी बना करके आप जो है ये स्पष्ट कीजिए, यानी बना करके दिखाइए हमें आकृतियाँ कि एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, कोई भी बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, ऐसा पॉसिबल है क्या। तो आपको ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये लो जी हमने जो है बंद वक्र बना दिया, ये लो
बंद वक्र बना दिया, ये बहुभुज है क्या? नहीं है। इसका मतलब पहले में आप कुछ भी बना दो इस तरीके से, या फिर आप क्या करो ऐसे ऐसे, अरे वाह ये तो रेखाखंड आ गए, रेखाखंड आ गए तो बहुभुज बन जाएगा, कोई बात नहीं नीचे से ऐसे कर दो। अब तो ये रेखाखंड नहीं रहा ना, यानी एक दो रेखाखंड तो आए लेकिन ये बहुभुज तो नहीं रहा, यहाँ पर तो रेखाखंड के अलावा बहुत कुछ आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? इसी तरीके से ये तो हो गया फिर, ठीक है, यानी कि ऐसा बंद वक्र है जो बहुभुज नहीं है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बनाइए, बस रेखाखंडों वाला मत बना देना, क्योंकि अगर आपने ऐसा बना दिया तो वो तो बहुभुज हो जाएगा, ठीक है। रेखाखंड नहीं बनाने, रेखाखंड एक आधा यूज करके और कुछ बीच में लगा दो। अब एक केवल रेखाखंडों से बनी खुली वक्र, रेखाखंडों से बनी खुली वक्र, हमने तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट किया था ना, रेखाखंडों से बना खुला वक्र जेड, ठीक है, तीन रेखाखंड है लेकिन फिर भी वो खुला है, यानी कि बहुभुज नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरा वो कहते हैं दो भुजाओं वाला एक बहुभुज, दो भुजाओं का यूज करके एक बहुभुज बनाइए, ऐसा पॉसिबल है क्या? कोई नहीं बना सकता, हम कैसे बनाएंगे? मैंने आपको समझाया था ना, दो भुजाओं वाला एक बहुभुज बनेगा ही नहीं। तो चलिए फिर, ये जो थी आपकी प्रश्नावली 4.2, इतनी सिंपल सी थी, इतनी आसान सी थी, आपको मज़ा तो डेफिनेटली आया ही होगा। तो चलिए फिर, 4.2 कंप्लीट हो गई है इस वीडियो में, बस इतना ही। होपफुली आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी और आपको मज़ा भी आ रहा होगा करने में। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.3 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।